हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजा स्टडी। और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, क्लास 7 की साइंस का थर्ड चैप्टर उष्मा आज हम पढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी दो इंट्रोडक्शन क्लास होंगी, हम पहले ही बता देते हैं। ज्यादा लंबी क्लास हो जाती है, फिर आप लोग बोर हो जाते हो। फिलहाल आज ये जो हमारी इंट्रोडक्शन क्लास होगी, इसमें हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे टिक लगाते हुए चलेंगे। अगर आपको ये पीडीएफ और जो बिल्कुल अनटच्ड जो पीडीएफ होगी आपकी चैप्टर की, और साथ में इसके सोल्यूशन, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के सोल्यूशन हो, हिंदी मीडियम के बुक्स हो, इंग्लिश मीडियम के बुक्स हो, कुछ भी आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए ना, तो इसके लिए आपको हमारा ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? उष्मा। क्या नाम है? उष्मा। उष्मा का मतलब होता है, अगर आम तौर पे सिंपल भाषा में इसका मतलब समझे तो उष्मा का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, यहां पे लिखा है, आप जानते हैं कि ऊनी वस्त्र जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। जांतव मतलब जंतुओं से प्राप्त जो रेशे होते हैं, उनके बाल जो होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। आप यह भी जानते हैं कि सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ऊनी वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? जांतव रेशों से बनाए जाते हैं। सूती वस्त्र पादप रेशों से बनाए जाते हैं, जैसे कपास हुआ। ठीक है, हम शीतकाल में ऊनी वस्त्र पहनते हैं जो हमें गर्म रखते हैं। जब मौसम गर्म होता है तब हम हल्के सूती वस्त्र पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, ये तो बात सबको ही पता है। जब भाई सर्दी होती है तब ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो गर्मी होती है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ये हमें ठंडक का अनुभव कराते हैं। आप यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि किसी भी विशेष ऋतु के लिए विशेष प्रकार के वस्त्र ही क्यों उपयुक्त होते हैं। मतलब कि हम ये भाई ये कह रहे हैं कि आप जाइए, थोड़े आपके दिमाग में अवश्य ही क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों है कि हम सर्दी में गर्म कपड़े ही पहनते हैं, गर्मी में हम ठंडे कपड़े क्यों पहनते हैं, हल्के कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर कह रहे हैं, शीतकाल में आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। मतलब सर्दियों में क्या करते हैं? आप घर के अंदर ठंड का अनुभव करते हैं। यदि आप बाहर धूप में आ जाएं तो गर्मी का अनुभव करेंगे। मतलब ठंडी में ही अगर आप बाहर धूप में बैठ जाएं आके, तो आपको क्या, थोड़ी सी आपको गर्मी फील होगी। गर्मी फील होगी तो आपको अच्छा महसूस होगा। ठीक है, इतना हो गया, आगे पढ़ते हैं। तो ये है हमारी भतीजी रानी, मेरी लाडो, मेरी ताशी है। तो ग्रीष्म काल में तो आप घर के अंदर भी गर्मी का अनुभव करते हैं, पर जैसे कि हम सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में घर के अंदर हमें ठंड लगती है, और जब हमें थोड़ा मतलब धूप चाहिए होती है, थोड़ी गर्मी चाहिए होती है, तो हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है। पर गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। ठीक है, बाहर तो गर्मी होती है, बाहर तो धूप होती ही है, पर गर्मियों में हमें घर के अंदर भी गर्मी लगती है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं, यह कैसे जान पाते हैं कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी? ठीक है, हम ये कैसे जानेंगे कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? हमको ये कैसे पता चलेगा कि कितनी वस्तु जो है कितनी गर्म अथवा कितनी ठंडी है? ये सब चीजें हमें कैसे पता चलती हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो हमें चैप्टर में ही पता चलेगा। तो अब उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, जिसका नाम है गर्म तथा ठंडा। नेक्स्ट क्या, पहली हमारी हेडिंग है ये, जिसका नाम है गर्म तथा ठंडा। गर्म और ठंडा के बारे में जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। अपने दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। मतलब अपने दैनिक जीवन में कोई ना कोई वस्तु हम छूते रहते हैं। कोई वस्तु नॉर्मल होती है, कोई ठंडी होती है, तो कोई गर्म होती है। इसमें से तो कुछ गर्म होती है और कुछ ठंडी होती है। चाय कैसी होती है? चाय गर्म होती है तथा बर्फ ठंडी होती है। चाय कैसी होती है? गर्म होती है, बर्फ ठंडी होती है। सारणी 3.1 जो है, सामान्य उपयोगी वस्तुओं की सूची दी गई है। इस सूची में कुछ और नाम जुड़े, मतलब सूची को हमें भरना है। फिर ये कह रहे हैं, इन वस्तुओं को गर्म ठंडी के रूप में चिन्हित भी करना है। हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ठंडी है जबकि कुछ वस्तुएं गर्म है। ठीक है, आप यह भी जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है। मतलब ठीक है, कुछ वस्तुएं ज्यादा गर्म होती है, कुछ वस्तुएं कम गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं। हम कैसे जानेंगे कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक गर्म है?
ठीक है, कैसे पता चलेगा कि ये वस्तु उस वस्तु से ज्यादा गर्म है? तो ये कह रहे हैं प्राय इसका पता वस्तुओं को स्पर्श करने से लगाते हैं, मतलब हम कैसे पता करेगा, पता करेंगे कि ये वस्तु उस वस्तु से गर्म है, तो हम कैसे क्या करेंगे, हम उसको स्पर्श करेंगे, स्पर्श करने से हमें पता चल जाएगा ना कि ये वस्तु ये ज्यादा गर्म है कि वो ज्यादा गर्म है। फिर कह रहे क्या हमारे स्पर्श इंद्रिय विश्वसनीय है, आइए ज्ञात करें। तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो हमने स्पर्श किया है, हाँ अगर ज्यादा टेम्परेचर का डिफरेंस है तो हम आसानी से सकते हैं भाई ये हल्का गर्म है ये ज्यादा गर्म है, पर माइनर सा डिफरेंस होगा तो हम नहीं पता कर सकते हैं। तो ये हम आगे देखेंगे। तो जैसे कि इन्होंने कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं, आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी होती है और गुनगुनी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। चाय के प्याले में रखी चम्मच, भाई चाय कैसी होती है, गर्म होती है, और चाय में अगर चम्मच पड़ा होगा तो वो कैसा होगा, गर्म ही होगा, सॉरी गर्म होगा, तो हमने ठंडे वाले पे टिक नहीं करना चाहिए था, वो ठंडा नहीं होगा, कैसा होगा, गुनगुना होगा या गर्म होगा। फलों का रस, तो फल जो होते हैं मोस्टली हमारे ठंडे होते हैं, ठीक है, तो हल्के ठंडे होते हैं और वो गर्म नहीं होते हैं। तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्थी, भाई कोई जी का हमारा तलने का कोई बर्तन होता है, ठीक है, तो उसकी हत्थी पे या तो प्लास्टिक लगा देते हैं या तो लकड़ी लगा देते हैं, तभी तो हम उसको पकड़ के तलते हैं ताकि हमारे हाथ गर्म ना हो, ठीक है, तो वो ठंडे तो नहीं कह सकते, नॉर्मल टेम्परेचर पे होते हैं, वो गर्म नहीं होते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे हमने सारणी को भर दिया है। अब चलते हैं अपनी क्रियाकलाप पे। तो क्रियाकलाप 3.1 हमारा दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो तीन हमारे पास बीकर दिए गए हैं जिनमें पानी दिया गया है, पानी रखा गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं तीन पात्रों में पानी के ताप का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, बीकर एक, बीकर टू, बीकर थ्री, ठीक है। ये कह रहे हैं तीन पात्र अथवा बर्तन लीजिए, इन पर ए बी सी नामांकित कीजिए, पात्र ए में ठंडा पानी, पात्र बी में गर्म पानी लीजिए, ठीक है, तो पात्र ए में कैसा पानी है, ठंडा पानी है, ठीक है, पात्र बी में कैसा पानी है, गर्म पानी है। फिर कह रहे हैं कि कुछ ठंडा और कुछ गर्म पानी मिलाकर पात्र सी में दोनों का मिक्स है, ठीक है, ठंडा भी और गर्म भी, दोनों का मिक्स पानी है। अब अपने बाएं बाएं हाथ को पात्र ए में तथा दाहिने हाथ को पात्र बी में डालिए, दोनों हाथों को 2-3 मिनट तक पात्रों में डूबे रहने देना है। अब दोनों हाथों को एक साथ पात्र सी में डुबोना है। अब दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव हो रहा है क्या, तो आंसर हो जाएगा दोनों हाथों को एक जैसा अनुभव नहीं होगा, जो गर्म वाला हाथ है उस पात्र में, सी वाले पात्र में डालकर उसको लगेगा यहाँ पे पानी गर्म है, जो ठंडा वाला था ए वाला था, ठीक है, पात्र सी में डाला जाएगा तो उसको लगेगा ये ठंडा पानी है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब भूजो कह रहा है कि मेरा बायां हाथ कहता है कि सी में पानी गर्म है तथा डी में दाहिना हाथ कह रहा है कि पानी ये ठंडा है, तो मैं क्या निष्कर्ष निकालूं, ठीक है, मतलब दिमाग जो है वो कंफ्यूज हो रहा है कि सी वाला जो पात्र है उसमें कैसा पानी रखा है, हमको सी वाला जो दिमाग है कंफ्यूज हो रहा है सी में कैसा पानी रखा है, क्योंकि एक हाथ बता रहा है इसमें पानी गर्म है, एक हाथ बता रहा है इसमें पानी ठंडा है, ठीक है, इस वजह से। फिर कह रहे भूजो की उलझन यह दर्शाती है कि यह निश्चय करने के लिए कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, तो यह निश्चय करने के लिए कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है तो हम अपनी ये हमारी जो स्पर्श इंद्रियां है उस पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी हमें इस तरीके से कंफ्यूजन हो सकता है, ये हमें कभी भी धोखा दे सकती है। फिर लिखा है तब हम यह कैसे ज्ञात करते हैं कि कोई वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता माप उसके ताप से की जा सकती है, ताप मापने के लिए उपयोग की जाने वाली युक्ति को ताप मापी कहते हैं। तो इन्होंने एक बात बताया है, किसी वस्तु की उष्णता, उष्णता मतलब गर्मी, किसी वस्तु की उष्णता की विश्वसनीयता की माप तथा उसके
किससे की जाती है? ताप से की जाती है। मतलब किसी की वस्तु में कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है तो इसकी माप हम किससे लेते हैं, उसको उसकी मापने के लिए हम उसका ताप लेते हैं, ठीक है। और ताप मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ताप मापने के लिए ताप मापी या कह लो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ताप मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। अगर किसी वस्तु की उष्णता ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम ताप मापते हैं, और ताप मापने के लिए ताप मापी का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी हेडिंग है वो है ताप मापन। ताप मापन क्या होता है? क्या आपने कोई ताप मापी देखा है? याद कीजिए, जब कभी आपके परिवार में किसी को बुखार चढ़ा था या टेम्परेचर को हमने किसे मापा था? टेम्परेचर को थर्मामीटर से मापा गया, ठीक है। कोई जब बुखार वगैरह चढ़ता है तो हम अपना बुखार किससे मापते हैं? थर्मामीटर से मापते हैं। जिस ताप मापी से हम अपने शरीर को जिस ताप मापी से हम अपने शरीर के ताप को मापते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। मतलब ये जो हमारे घर में यूज किया जाता है थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, इस थर्मामीटर का पूरा नाम है डॉक्टरी थर्मामीटर। किसी थर्मामीटर को अपने हाथ में पकड़िए, इसका ध्यान पूर्वक परीक्षण कीजिए। यदि आपके पास थर्मामीटर नहीं तो अपने मित्र के साथ सम्मिलित हो जाइए। डॉक्टरी थर्मामीटर निम्नलिखित के मतलब इस चित्र के अनुसार जो है वो आपको बनाना है, ये बनाने को बोल रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा थर्मामीटर है, डॉक्टरी थर्मामीटर। इस तरीके से ये यहाँ से या इस तरीके से इस पर नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पे काली लाइन टाइप में देख रहे हो, एक काली लाइन नहीं होती है, एक्चुअल में ये सिल्वर लाइन होती है। ये जो सिल्वर यहाँ पे आपको दिख रहा है यही हमारा ऊपर चढ़ते हुए या इस तरीके से जाता है, जितना बुखार होता है वहां तक जाता है। तो ये यही हमें और जिस नंबर तक जाता है उसी के हिसाब से हम अपना बुखार नापते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर क्या होता है? बल्ब। ये बल्ब इसको बोलते हैं, ठीक है। पर यह बल्ब की तरह जलता नहीं है, ध्यान रखिएगा, बल्ब की तरह बोलते हैं पर ये बल्ब की तरह जलता नहीं है। ये कांच की नली है ना, ये चमकता है क्योंकि इसके अंदर पारा भरा हुआ है, और कांच पारा जो अंदर से चमकता है कांच है तो वो उनको चमकता हुआ नजर आता है। ऐसा भी नहीं है लाइट फेंकता है, ठीक है। पर हम इसको बल्ब बोलते हैं। बल्ब में क्या होता है? पारा भरा होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी बारीक तथा एक समान व्यास की कांच की नली होती है। इसके एक सिरे पर बल्ब होता है, बल्ब में पारा भरा होता है। बल्ब के बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली धारी देखी जाती है। ये धारी, ये जो यहाँ पे दिखाई गई है चमकीली धारी, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि पारे की यह धारी आपको दिखाई ना दे तो थर्मामीटर को थोड़ा सा घुमाना पड़ता है। यदि पारे की जो धारी होती है अगर आपको दिखाई नहीं देती है तो आपको थोड़ा सा थर्मामीटर घुमाना पड़ता है, जिससे वो धारी जो है क्या होने लगती है, चमकने लगती है, क्या कह दो, दिखने लगती है, ठीक है। और फिर ये कह रहे हैं थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक मापक्रम, मतलब इस पे जो नंबर लिखे होते हैं वो ये समझ लो स्केल के नंबर होते हैं, इसी के हिसाब से ही हम माप लेते हैं, ठीक है। फिर उपयोग किए जाने वाले या मापन सेल्सियस में दिखाता है, जिसे सी से दर्शाते हैं। मतलब इसमें जो ताप हमारा दिखा रहा है वो किस में दिखा रहा है? सी में दिखा रहा है, मतलब सेल्सियस में दिखा रहा है। आगे चलते हैं। यह कह रहा है वो जो दुविधा में है कि चित्र 3 पॉइंट में दिखाए गए दो मापक्रमों में से वह किसे पढ़े। पहली ने उसे बताया कि भारत में हमने सेल्सियस स्केल को अपनाया है और हमें इसी स्केल का उपयोग करना चाहिए। दूसरा मापक्रम जो है फारेनहाइट का है, जिसका परिसर 94 से 108 डिग्री तक है, ठीक है। इसे पहले प्रयोग किया जाता था। मतलब अब क्या है, अब जैसे कि टेम्परेचर लेते हैं तो वो सी में दिखाता है, मतलब सेल्सियस में दिखाता है। पहले क्या होता था, मतलब अभी भी हम अगर बुखार वगैरह नापते हैं, डॉक्टर लोग लिखते हैं वो फॉरेनहाइट में ही लिखते हैं, जैसे कि हमारा 100 जा रहा है, 99 जा रहा है, 101 जा रहा है, ठीक है। ये सब क्या है, डिग्री फॉरेनहाइट है, और हम 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये नॉर्मल है, और 98.6 जो है वो नॉर्मल है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ठीक है। फॉरेन हाइट, अब मतलब ये बोल रहे हैं कि अब सेल्सियस में लिया जाता है, फॉरेन हाइट में नहीं लिया जाता है, लेकिन बात एक ही है, ठीक
ठीक है, दोनों ही इस पे ये माप हमारे दिखाए गए होते हैं, नीचे फारेनहाइट में होता है, ऊपर सेल्सियस में होता है। ये कह रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर से हम 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के माप माप सकते हैं। अगर बात करें फॉरेनहाइट की, तो फॉरेनहाइट में हम 94 से 108 तक की माप ले सकते हैं, और हम अगर सेल्सियस की बात करते हैं तो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक हम माप सकते हैं थर्मामीटर में। फिर अब इन्होंने क्रियाकलाप 3.2 दिखाया है। क्रियाकलाप 3.2 जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं कि थर्मामीटर से ताप मापना, ठीक है, क्या करना है, थर्मामीटर से ताप मापने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है, भाई पढ़ते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आइए हम सीखें कि थर्मामीटर को कैसे पढ़ा जाता है। सबसे पहले किन्हीं दो क्रमागत, किन्हीं दो क्रमागत का मतलब एक के बाद एक बड़े चिन्हों द्वारा निरूपित ताप के अंतर को नोट करना है। ठीक है, मतलब हमें पहले ताप को नोट कर लेना है, कितना ताप उसमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों चिन्हों के बीच दोनों भागों की संख्या को नोट करना है। मान लीजिए दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर है, कितने का अंतर है, 1 डिग्री का अंतर है। इन चिन्हों के बीच 5 भाग है, तब एक छोटे भाग का मान कितना हो जाएगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस। मतलब एक यहाँ दो हमने पॉइंट लिए, इनके बीच में कितने भाग है, 5 भाग है, ठीक है, 5 भाग है। तो एक भाग की अगर बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1/5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0.2 सेल्सियस, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं। फिर कह रहे हैं उपयोग करने से पहले थर्मामीटर को अच्छी प्रकार से क्या कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। धोने के लिए किसी पूतिरोधी मतलब रोगाणु रोधक घोल का उपयोग करना सुरक्षित रहता है। अब इसे अपने हाथ में कसकर पकड़िए और कुछ झटके दीजिए, मतलब इस तरीके से हमें, जैसे मान लीजिए ये थर्मामीटर है, इसको इस तरीके से झाड़ना है, झटका देना है, ताकि टेम्परेचर जो है वो नीचे चला जाए। ठीक है, टेम्परेचर जो है नीचे चला जाता है, और सुनिश्चित कीजिए कि 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो जाए। तो ध्यान रखना है कि जब आप इसको झटकोगे ना, तो ये 35 डिग्री से नीचे चला जाए। फिर कह रहे हैं अब थर्मामीटर के बल्ब को अपनी जीभ के नीचे रखना है, कहाँ, यहाँ इस तरीके से हमें रखना है। 1 मिनट पश्चात थर्मामीटर को बाहर निकाल लेना है, फिर उसका पाठ्यांक नोट करना, फिर हमें नोट करना है कि क्या हमारी रीडिंग आई है। फिर कह रहे हैं आपके शरीर का क्या ताप है, फिर देख रहे ताप को सदैव एक मात्रक डिग्री सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप बोल दो कि 35 आया है या 37 आया है, ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा 37 डिग्री सेल्सियस, या बोलो 100 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, मतलब विद यूनिट आपको बोलना है, इनके कहने का मतलब है। तो इन्होंने एक यहाँ पे बात बताई है, आपने अपने शरीर का क्या ताप नोट किया है, तो ये कह रहे हैं मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि ताप को इसके मात्रक के साथ व्यक्त किया गया है। ठीक है, डिग्री लगाना भी जरूरी है, उन्होंने डिग्री नहीं लगाई। तो ये कह रही पहली ने अपने शरीर का ताप मापा, वह चिंतित हो गई क्योंकि यह ठीक 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। ठीक है, सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है, पर जो उसने मापा इतना नहीं था, तो वो टेंशन में हो गई। ऐसा कुछ नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर यहाँ कह रहे हैं कि पहली को इस रहा है कि उसके साथ कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे दिया है क्रियाकलाप 3.3, डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से अपने कुछ मित्रों, कम से कम 10 मित्रों के साथ शरीर का ताप लेना है, मतलब उनका फीवर नापना है। फिर कह रहे हैं कि अपने परीक्षणों को सारणी में अंकित करना है। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट बताए हैं, कुछ डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानियां। ठीक है, थर्मामीटर को उपयोग करने से पहले, उपयोग के पश्चात धोना चाहिए, पहले भी धो बाद में धो। धोने के लिए क्या करना चाहिए, एंटीसेप्टिक घोल का उपयोग करना चाहिए या पूतिरोधी, पूतिरोधी एंटीसेप्टिक बात एक ही है, इसका उपयोग करना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए उपयोग से पहले पारे का तल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। फिर थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए, मतलब पारा जो चढ़ता है वो सीध में चढ़ रहा हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं थर्मामीटर का सावधानी पूर्वक उपयोग कीजिए, किसी कठोर वस्तु से टकराने से ये क्या हो जाएगा,
टूट जाएगा क्योंकि ये कांच का बना है। थर्मामीटर का उपयोग करते समय इसे बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, मतलब आप जैसा नहीं है थर्मामीटर को इस वाली एरिया से आप कहीं से भी पकड़ सकते हो, इस वाली एरिया को नहीं टच करना है, क्योंकि अगर आप इस वाली एरिया को टच करोगे तो आपका फीवर जो है वो गलत आएगा, गलत माप आएगी उसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है कुछ शरीर के ताप, तो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ ये अपनाना है, उनका नाम लिखना है, उनका टेम्परेचर आपको यहाँ पे लिखना है, यह एक क्रियाकलाप है, आप क्लास में करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पे लिखा है कि आप प्रत्येक विद्यार्थी के शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबका ताप इतना ही आए, किसी का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं होगा। ठीक है, तो रेंज जो है 35 डिग्री सेल्सियस से हमारी 38 डिग्री, नॉर्मल की 35 से 38 रहेगी। ठीक है, ये कह रहे हैं यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य ताप 37 डिग्री हो। ठीक है, या 37 डिग्री जो है वो क्या है, एक एवरेज है, एवरेज मतलब औसत है। ठीक है, यह कुछ अधिक हो सकता है, कुछ कम भी हो सकता है। वास्तव में हम सामान्य ताप को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं, वह स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के औसत ताप है। क्या है ये जो है 37 डिग्री सेल्सियस, ये औसत ताप है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पूजो के मस्तिष्क में नटखट विचार आया। क्या विचार आया, वह डॉक्टरी थर्मामीटर से दूध का ताप मापना चाहता है, पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। भाई दूध, हमारा थर्मामीटर जो होता है वो कहाँ से ताप मेजर करता है, 37 37 नहीं, क्या बोला था इन्होंने, 35 डिग्री सेल्सियस से, एक बार देख लेते हैं, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, 35 से 42। ठीक है, 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप होता है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही ताप होता है, पर दूध का ताप तो कहीं ज्यादा हो गया, 42 डिग्री से कहीं ज्यादा होगा। अब आप इसमें डालोगे तो हमारे ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, जिससे हमको खतरा भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु को ताप मापने के लिए कभी प्रयोग मत करना। थर्मामीटर को दूध अथवा आग के पास रखने से बचाना होगा, ऐसा करने से वह टूट जाएगा। ये टूट कह रहे हैं पर हो क्या जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, ये कह रहे हैं टूट जाएगा, पर रियल में क्या होगा, वो फट जाएगा, ब्लास्ट टाइप में होगा जाके, और उसमें होता है पारा, जो कि एक अच्छा धातु नहीं होता है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो इनसे बचना चाहिए, तो बच्चों से ये दूर ही रखना चाहिए, इनको ये लाइन भी लिखनी चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, केवल शरीर का ही ताप नापने के लिए डिजाइन किया गया है। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता। ठीक है, तो मानव का तापमान जो है इसी के बीच में टहलता रहता है, अगर बुखार होगा तो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा। ठीक है, 37 कह लो या 37.5 कह लो, इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा तो बुखार की श्रेणी में आ जाएगा। ये कह रहे हैं यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, जो कि है हमारी प्रयोगशाला तापमापी। हम अन्य वस्तुओं को कैसे मापते हैं, इसके लिए अन्य तापमापी काम में लाते हैं। मतलब अगर हमें, ठीक है थर्मामीटर का प्रयोग तो हम शरीर मापने के लिए करते हैं, लेकिन अगर हमें किसी और चीज का ताप मापना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे मापेंगे, तो क्या करेंगे, इसके लिए अन्य ताप मापी काम में आते हैं। ऐसा ही एक ताप मापी प्रयोगशाला ताप मापी होता है, जिसका नाम क्या है, प्रयोगशाला ताप मापी। आपके अध्यापक इस ताप मापी को आपको दिखाएंगे, इसे ध्यान से देखना है, इसे मापे जाने वाले अधिकतम और न्यूनतम ताप को नोट करना है। ठीक है, फिर क्या करना है, प्रयोगशाला ताप मापी का परिसर प्राय कितना होता है, प्रयोगशाला ताप मापी का परिसर प्राय -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, कितना होता है, प्रयोगशाला ताप मापी का तापमान, ये क्या कह लो, परिसर जो होता है, परिसर का मतलब न्यूनतम ताप,
-10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम ताप 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आपने डॉक्टरी थर्मामीटर में किया था, ठीक उसी प्रकार इस तापमापी के भी किसी सबसे छोटे भाग द्वारा दर्शाए जाने वाले ताप का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका सबसे छोटा ताप का मान -10 है, सबसे बड़ा ताप का मान 110 डिग्री सेल्सियस है। ताप मापी द्वारा दर्शाए गए ताप को ठीक ठीक पढ़ने के लिए आपको ताप के इस मान की आवश्यकता होगी। यहाँ पे इन्होंने एक बात लिखी है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के ताप मापी उपयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं सिर्फ दो ही प्रकार के हो गए, एक डॉक्टरी थर्मामीटर, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर। हमें जिस टाइप का काम है, जिस टाइप का हमारा टेम्परेचर है, जिस टाइप का टेम्परेचर हमें मापना है, ठीक है, उसी के हिसाब से अलग अलग कई प्रकार के हमारे पास ताप मापी होते हैं। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न प्रकार के ताप मापी प्रयोग किए जाते हैं। मौसम की रिपोर्ट में दिए गए अधिकतम और न्यूनतम तापों की जानकारी देने के लिए अधिकतम न्यूनतम ताप मापी का उपयोग किया जाता है। तो मौसम की जानकारी के लिए जो हमारा ताप मापी यूज किया जाता है उसको कहते हैं अधिकतम न्यूनतम ताप मापी। फिर ये कह रहे हैं आइए अब देखें ताप मापी का उपयोग कैसे करते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, जल का ताप माप रहे हैं, तो ये थर्मामीटर हमारी तरह है, मतलब डॉक्टरी थर्मामीटर की तरह ही होता है, हमारे वाले थर्मामीटर की तरह ही, इसको पानी में डाल रहे हैं, इस तरीके से माप रहे हैं, ठीक है, ये हुआ। आगे चलते हैं, तो इन्होंने कहा है किसी बीकर अथवा मग में थोड़ा सा जल लेना है, ताप मापी को जल में इस प्रकार डुबोना है कि उसका बल्ब तो डूबा रहे लेकिन वह बर्तन की तलिए अथवा दीवारों को स्पर्श ना करे, ठीक है। मतलब क्या करना है कि हमें इस तरीके से करना है कि वो टच ना करे, लेकिन वह बर्तन की तली अथवा दीवारों को स्पर्श न करे। ताप मापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखते हुए इसमें पारे की तल की गति को देखना है, ठीक है, मतलब हमें देखना है पारा कितना चढ़ रहा है, तब तक प्रतीक्षा करना है जब तक नली में पारे का तल स्थिर ना हो जाए। मतलब अगर चढ़ता जा रहा है तो रुकना है, जब वो चढ़ना बंद कर दिया है, एक जगह पर रुक गया है, तब तक हमें ही उसको डाले रखना है। फिर हमें नोट कर लेना है कितनी रीडिंग आई है, फिर हमें इससे पता चल जाएगा कि उस समय जल का ताप क्या है। कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा मापे गए जल के ताप की तुलना करनी है, इनमें क्या भिन्नता है, जो अगर भिन्नता है तो उनके कारण की जांच करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि प्रयोगशाला ताप मापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठांग लेते समय बरती जाने वाली सावधानियों के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानी भी बरतनी चाहिए। जैसे कौन सी है, ताप मापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, मतलब तिरछा नहीं रखना है, सीधा रखना है बिल्कुल। फिर ये कह रहे हैं ताप मापी का बल्ब चार ओर से उस पदार्थ से घिरा होना चाहिए, मतलब बीचों बीच में रखना है, ऐसा नहीं साइड में लगा दिया, ठीक है। जिसका ताप मापना है बल्ब दीवारों से टच नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये हमें सावधानी रखनी चाहिए। फिर बूजो कह रहा है, बूजो को अब समझ में आ गया है कि उच्च तापों का को मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन वह अभी भी उलझन में, क्या प्रयोगशाला ताप मापी उसके शरीर का ताप मापा जा सकता है। भाई ये सोच रहा है कि -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये मापता है कितना, 110 डिग्री सेल्सियस मापता है, और हमारा तापमान तो इसी के बीच में आता है, हमारा शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो इस वाले ताप मापी से, जो ताप मापी हमारा क्या नाम है इसका, प्रयोगशाला ताप मापी से, हम अपने शरीर का तापमान क्यों नहीं मापते, डॉक्टर इसका प्रयोग क्यों नहीं करते, ये इसके मन में क्वेश्चन है। तो इसको भी हम, इस प्रश्न का उत्तर हम इस क्रियाकलाप से हमें पता चलेगा। ये कह रहे हैं किसी बीकर या मग में थोड़ा गर्म जल लेना है, ताप मापी के बल्ब को जल में डुबोना है, पारे के तल के स्थिर होने तक हमें प्रतीक्षा करनी है। जब पारे का तल स्थिर हो जाए, मतलब पारा चढ़ना बंद हो जाए, तो हमें ताप को नोट कर लेना है। अब ताप मापी को जल से बाहर निकाल लेना है, फिर ध्यानपूर्वक देखना है अब क्या होता है। क्या आप देखते हैं जैसे ही ताप मापी को जल से बाहर निकालते हैं, पारे का तल जो है वो गिरने लगता है। इसका अर्थ है कि किसी प्रयोगशाला कहाँ चला गया, ताप मापी द्वारा ताप का पाठांक तभी नोट करना चाहिए जब उसका बल्ब जल था उसमें डूबा रखा होता है। मतलब क्या होता है, ये जो प्रयोगशाला ताप मापी है इसको जब हम जल में डालते हैं तभी इसका पारा चढ़ता है, ठीक है, और जल से जैसे निकाला उसका वो
पारा जो है वो नीचे चला जाता है, मतलब रीडिंग हमारी गलत हो सकती है। तो हमको जब वो लगा होता है ना, उसमें रखा होता है, ठीक है, बीकर में गर्म पानी में, तब ही हमको रीडिंग नोट करनी होती है। जैसे निकाला उसका ताप भी गड़बड़ हो गया, ठीक है। लेकिन हम जब आप यही अभी अभी आपको आंसर मिलेगा, डोंट वरी, ठीक है, आप समझ गए हैं ना। तो हमको रीडिंग कब नोट करनी होगी, जब जल में पड़ा ही होगा, ठीक, जब उसका पारा जो है चढ़ना बंद कर दिया होगा, ठीक है। तो रीडिंग पहले हमें नोट कर लेनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है पारा चढ़ रहा है आप रीडिंग नोट कर रहे हो, जब पारा चढ़ना बंद हो जाए, आपका थर्मामीटर पानी में पड़ा होना चाहिए, तब हमें रीडिंग नोट करनी है। फिर ये कह रहे, स्मरण कीजिए, अपने शरीर का ताप मापते समय आपको पठन नोट करने के लिए थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। पर जो हमारे वाले थर्मामीटर होते हैं, हम क्या करते हैं, हमने मुंह में लगाया, फिर डॉक्टर ने कहा भैया देखे तुम्हारा कितना बुखार है, तो डॉक्टर जो है मुंह में लगे लगे थोड़ी ना इसे देखेगा, मुंह में लगाया थर्मामीटर और डॉक्टर इस तरीके से देख रहा, ऐसा नहीं हो सकता ना। वो डॉक्टर थर्मामीटर निकालता है, फिर ना देखता है कि कितना है आपका टेम्परेचर, ऐसा होता है ना। अब यही ये वाला ताप मापी हम अगर यूज करेंगे, हाँ हमारा फीवर तो इसमें आ जाएगा, लेकिन हमारा फीवर तब तक इसमें शो करेगा जब तक हम मुंह में रखेंगे, और हम मुंह में रखे हैं, डॉक्टर हमारा थर्मामीटर इसे देख रहा है, तो थोड़ा ऑड लगेगा ना। तो इस वजह से इस थर्मामीटर का हम यूज नहीं करते। डॉक्टर ये जो हमारे वाले थर्मामीटर होते हैं, या इसका तापमान जो है वो हमें खुद से उतारना पड़ता है, कैसे, झाड़ झाड़ के उतारना पड़ता है, ठीक है, तभी उतारता है। अगर हम उसको झाड़ेंगे नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे और रख देंगे, तो वही सेम रीडिंग हमारी बनी रहेगी, हम चाहे कहीं भी रख दें, ठीक है, आए समझ में। तो यही बात इन्होंने यहाँ पे बोली है, आप प्रयोगशाला ताप मापी को अपने शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग करते हैं, स्पष्ट है कि प्रयोगशाला ताप मापी का उपयोग इस प्रयोजन के लिए सुविधाजनक नहीं है। डॉक्टरी थर्मामीटर को मुंह से निकाल लेने पर पारे का तल नीचे या ऊपर क्यों नहीं जाता, क्वेश्चन आता है, चलो ठीक है ये बात हम मान गए, अब क्यों नहीं जाता। तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये कह रहे हैं किसी डॉक्टरी थर्मामीटर का फिर से परीक्षण करना है, क्या बल्ब के पास कोई विभंग या किक देखते हैं, ठीक है। तो हम जब डॉक्टरी थर्मामीटर को देखते हैं ध्यान से, इस तरीके से आपको एक विभंग नजर आता है, ये किक होती है, किंक होती है, सॉरी किंक होती है, जो थर्मामीटर मतलब उसके टेम्परेचर को नीचे उतरने नहीं देता, क्या होती है, किंक होती है। इसको क्या कहते हैं, विभंग या किंक बोलते हैं। विभंग का क्या लाभ होता है, यह पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, ठीक है। ये जो विभंग होता है पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने से रोकता है, समझ गए, क्यों नहीं उतरता, तो इसका रीजन है विभंग या किंक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बुजु ये जानने के लिए उत्सुक है कि जब ताप मापी का बल्ब किसी वस्तु के संपर्क में आता है तो पारे के तल में परिवर्तन क्यों होता है, ठीक है। अब कह रहे मतलब हम जब किस चीज का तापमान नाप नोट कर रहे हैं तो उसके टेम्परेचर में परिवर्तन क्यों होता है, सिंपल सी बात है, हमारा टेम्परेचर अलग है उसके टेम्परेचर से, तो हमारे संपर्क में जब आया तो उसका टेम्परेचर चेंज हो गया। जैसे कि बात करते हैं आपके गिलास में है गर्म पानी और आपका चम्मच, वो तो नहीं गर्म है ना, आपने चम्मच उस गर्म पानी में डाला, वो चम्मच भी तो गर्म हो जाएगा, या कह लो गैस पे रखा है बर्तन, उसमें पानी उबल रहा है, आप भूल गए आपने उसमें चम्मच डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो भी तो गर्म हो गया, मतलब उसने उसने उसका ताप जो है एब्जॉर्ब कर लिया है, ठीक है। तो यही इसमें भी होता है, बस ये है क्या, इसमें जो ताप इसने ग्रहण किया है वो एक रीडिंग दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ लेते हैं, ताप मापी में पारे के प्रयोग के विषय में अनेक चिंताएं हैं, पारा एक विषाक्त पदार्थ है, पारा क्या है, एक विषाक्त पदार्थ है, मतलब एक विष वाला पदार्थ है, यदि ताप मापी टूट जाए तो इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकी ताप मापी या जिसको हम डिजिटल थर्मामीटर कहते हैं उपलब्ध होता है, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता है, मतलब ये जो डिजिटल थर्मामीटर होता है इसमें बल्ब तो लगा होता है पर इसमें पारे का उपयोग नहीं होता है। ये जो हमारे हमने कांच वाले जो पारे देखे हैं, एक बार गलती से टूट गया था, कभी तोड़ना नहीं चाहिए, गलत बात है, क्योंकि इसमें जो पारा होता है वो एक विष का काम करता है, जब पारा टूटता है ना, पारा लगभग थोड़ी सी मात्रा में भरा होता है, जब टूटता है ना इसकी छोटी 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 गोल गोल बूंदे बन जाती हैं। अब जब आप इन बूंदों को छूते हो ना,
और छोटी 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 बूंदे बन जाती हैं। आप इस पारे को कभी पकड़ ही नहीं पाओगे, जितना छुओगे उतना ही टूटेगी। मजा तो बहुत आता है लेकिन कभी ऐसा करना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत गलत चीज है। छूने के बाद हाथ धुलने चाहिए प्रॉपर तरीके से, एक बार नहीं 10 बार धुलने चाहिए, ठीक है। कहीं भी आपके शरीर में टच नहीं रहना चाहिए इसका, ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक पदार्थ है। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखा है उष्मा का स्थानांतरण। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह तप्त हो जाता है। तप्त हो जाता है मतलब गर्म हो जाता है, तप्त मतलब गर्म हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। मतलब हमारा एक बर्तन है, कहाँ रखा है, ज्वाला पे रखा है, ठीक है। ये हमारा बर्तन पहले तो गर्म नहीं था, पर इस गर्मी से ये क्या हो गया, गर्म हो रहा है। मतलब इसकी उष्मा कहाँ जा रही है, इस बर्तन में जा रही है, ठीक है। तो यही क्या होता है, उष्मा का स्थानांतरण, मतलब ये उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान जा रही है, इसको कहते हैं उष्मा का स्थानांतरण। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा होता है, ठंडा होता है पर धीरे धीरे ठंडा होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो क्या हो जाता है, तप्त हो जाता है। इसका कारण है कि उष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वह धीरे धीरे ठंडा होता है। या ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों ठंडा हो जाता है, क्योंकि अब उसको उष्मा नहीं मिल रही है इसलिए ठंडा मिल जाता है, और हमारा बाहर का वातावरण नॉर्मल होता है तो ठीक है, तो नॉर्मल होने लगता है। फिर लिखा है यहाँ पे उष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो रही, मतलब हमारा वातावरण जो है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक, कैसा है, नॉर्मल है। ये बर्तन क्या है, गर्म है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये खुद को नॉर्मल होने, जैसे ये गर्म पे रखा था तो इसने खुद को गर्म कर लिया, अब ये नॉर्मल जगह पे रखा है तो ये क्या करेगा, गर्म चीज खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इसकी उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वातावरण में, और वातावरण तो हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये वातावरण कितना गर्म करोगे, गर्म ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। इस प्रकार स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ भी उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, यहाँ भी उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में क्या हो रहा है, उष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जा रही है, ठीक है, गर्म वस्तु से ठंडी की ओर जा रही है। मतलब इधर भी हमारा क्या था, गर्म था, ठीक है, ये क्या था, ठंडा था, तो ये कहाँ जा रहा था, गर्म से ठंडे की ओर जा रहा था। अब ये क्या है, हमारा गर्म था, अब ये क्या है, हमारा ठंडा है, तो ये भी हमारा गर्म से ठंडे की ओर जा रहा है। तो उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, गर्म से ठंडे की ओर होता है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब वास्तव में उष्मा सदैव गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उष्मा सदैव गर्म वस्तु से ठंडी अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है भाई, पहली जानना चाहती है कि इसका क्या अर्थ है कि दो वस्तुओं का ताप समान हो तो उष्मा स्थानांतरित नहीं होगी। मतलब दो वस्तुएं हैं हमारे पास इस तरीके से, ये भी गर्म है ये भी गर्म है, और इनका ताप भी कैसा है, समान है, तो क्या उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। तो इसकी खोज हमें कहाँ पे मिलेगी, क्रियाकलाप 3.6 में। ये कह रहे हैं एल्यूमिनियम या लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। क्या लेना है, अल्मोनियम या लोहे की, लोहे जैसी किसी धातु की एक छड़ लेनी है, पट्टी लेनी है उसकी चपटी, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए। तो हमें छड़ पे क्या कर दिया, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, छोटे छोटे मोम के टुकड़े जो हैं वो हमने चिपका लिए हैं, ठीक है, समान दूरी पे चिपका लेने हैं। छड़ के एक सिरे पर हमें प्रयोगशाला का परिस्टेंट, मतलब हमें ये छड़ को एक जगह पे दबा लेना है, दूसरी तरफ से हमें क्या कर देना है, इसको
क्या करना है, गरम करना है, एक सिरे से दवा लेना है, एक सिरे को गरम करना है, फिर ध्यान से हमें देखना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। गर्म तो हम इस जगह पे कर रहे हैं, पर छड़ जो है वो पूरी हमारी गर्म हो रही है। ठीक है, तो ये किधर की ओर बढ़ रही है, इधर की ओर। इधर तो चलो गर्म हो रही है, इधर गर्म है, इधर तो हमारा ठंडा था ना, तो ये किधर जा रहा है, गर्म से ठंडे की ओर जा रहा है। इधर भी हमारी गर्म से ठंडी की ओर जा रहा है, तो यही बता रहे हैं। मोम के टुकड़े का क्या होता है, और यहाँ पे हमारे लगे हुए हैं मोम के टुकड़े। भाई जब ये हमारी छड़ गर्म होगी तो मोम जो है वो हमारा टपकने लगेगा। ठीक है, मोम क्या होगा, हमारा टपकने लगेगा। तो ये कह रहे ये टुकड़े गिरना आरंभ हो जाते हैं। कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा, भाई जो सबसे पहले गर्म होगा वो सबसे पहले गिरेगा। ठीक है, क्या आप सोचते हैं कि उष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है? तो हाँ भाई, स्थानांतरित हो रही है। फिर कह रहे हैं कि वह प्रक्रम जिसमें उष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, इसे चालन कहलाता है। ठीक है, मतलब वह प्रक्रम जिसमें उष्मा जो होती है किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, तो उसको चालन कहते हैं। ठीक है, ठोसों में उष्मा का चालन जो होता है प्रायः इसी स्थानांतरण द्वारा होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे, ये बात क्या कह रहे हैं, मतलब उष्मा जो होती है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जा रही है, चलकर जा रही है ना, चल मतलब इसको चलना ही कहेंगे। तो आप याद कर सकते हो चलने से चालन। तो ठोसों में, ठोस वस्तु आपके बात आती है, ठोस वस्तु क्या होती है, जैसे हमारी सभी धातुएं, सभी एक दो धातुओं को छोड़कर, जैसे पारा भी एक हमारी धातु है पर वो ठोस नहीं है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द धातु जो हमारी होती है वो ठोस होती है, कोई भी चीज हुई। ठीक है, जिन ठीक है जो टाइट होती है वो हमारी ठोस में आती है। और ठोसों में उष्मा जो होती है उसका चालन, मतलब उष्मा जो है उनका उसमें चालन होता है। उष्मा उसमें हम कहते हैं उष्मा जो जा रही है उसमें चालन, उसमें उसमें उष्मा के चलने को हम चालन कहते हैं, आप ऐसे समझ लो, कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाई गई। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, क्या सभी पदार्थों में उष्मा चालन आसानी से हो जाता है? आसानी से तो नहीं होता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक लकड़ी की हत्थी लगी होती है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हत्थी से पकड़कर हाथ बिना चलाए उठा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हत्थी तो हमने आपको बताया ही था, किसी भी बर्तन में हत्थी भाई इसलिए लगी होती है, हत्थी मतलब ताकि हम उस बर्तन को आसानी से पकड़ सकें। जैसे इसमें लकड़ी लगा दी, तो वो लकड़ी जो होती है वो गर्म नहीं होती। बेकेलाइट जो हमारे हैंडल वगैरह बनाए जाते हैं प्लास्टिक के, ये हमारे गर्म नहीं होते। ठीक है, गर्म नहीं होते, इसका मतलब गर्म नहीं होंगे तो हम आसानी से उनको पकड़ सकते हैं, अपने सब्जी वब्जी चला सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हमारा है क्रियाकलाप 3.7। किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। ले लिया गर्म पानी। कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात की चम्मच, मतलब स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की स्केल, पेंसिल, विभाजनी मतलब डिवाइडर एकत्र करना है, इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी में डुबोना है, मतलब इनके सिर्फ एक ही सिरे को पानी में डुबोना है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद दूसरे सिरे को हमें छूना है। ठीक है, जैसे कि हमने क्या क्या लिया था, इन्होंने कहा था चम्मच लो, स्केल लेने को बोल रहे थे, स्केल भी हमने ले ली। ये हमारी किसकी बनी है, प्लास्टिक की बनी है। ठीक है, और क्या बोला था इन्होंने, पेंसिल लिया था। ठीक है, पेंसिल यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारी लकड़ी की बनी है, किसकी बनी है, लकड़ी की बनी है। तो ये कह रहे दूसरा सिरा गर्म होता है, धातु है, जैसे कि हमने आपको बताया था पानी पे बर्तन रखा, मतलब क्या बर्तन में पानी रखा है, उसमें आप गर्म कर रहे हो, उसमें आपने कोई चीज चमचा वगैरह कुछ भी डाल दिया, वो भी गर्म हो जाता है। ठीक है, वो गर्म हो जाता है ना, क्योंकि वो भी स्टील का था, वो भी धातु का था, वो भी धातु का था। पर जैसे कि हम इसी गर्म कर होने वाले, मतलब जिस बर्तन को हम गर्म कर रहे हैं, अगर हम उसमें स्केल डाल देंगे, स्केल हमारी अगर डायरेक्ट टच में आ रही है, बहुत ज्यादा गर्म हो गया तो पिघल जाएगी। पर अगर अच्छी प्लास्टिक का है, बेकेलाइट जैसी चीज का है, तो वो पिघलेगी नहीं, गर्म भी नहीं होगी।
हल्की सी गर्म जाए वो बात अलग है, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तब। लकड़ी की बात करते हैं, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है तो हल्की सी गर्म हो जाएगी, वैसे हमारी ये गर्म नहीं होगी। हाँ गर्म तब होगी जब हम पानी के अंदर डालेंगे, ये भी बात ध्यान रखना, गर्म तब होगी जब हम पानी के अंदर डालेंगे। और जैसे कि चमचा इस तरीके से डाल दिया और इसका हैंडल तो ऊपर है ना, ठीक है, हैंडल थोड़ी ना पानी के अंदर चला जाएगा, तो ये गर्म नहीं होगा, ठीक है, चाहे प्लास्टिक हो चाहे पेंसिल लकड़ी की हो, ठीक है, ये हमारा गर्म नहीं होगा। इस तरीके से ऐसे हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं, उसमें उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा का चालन, मतलब जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। ऊष्मा का चालक मतलब जो पदार्थ गर्मी से थोड़ी सी गर्मी से भी गर्म हो जाते हैं वो ऊष्मा के चालक होते हैं। इनके उदाहरण एल्युमिनियम हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये सब हमारे क्या है, जो भी धातुएं होती हैं वो हमारे ऊष्मा के चालक होती हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने नहीं देते हैं उसको चालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक हुआ, लकड़ी हुआ, इनमें हम इनको आसानी से नहीं गर्म कर पाते हैं, ठीक है, जल जाते हैं, पिघल जाते हैं, पर आसानी से, ठीक है, आसानी से गर्म मतलब कम टेम्परेचर की बात की जा रही, कम भी टेम्परेचर पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने वही प्रयोग करके देखा है। अरे इन्होंने एक नॉर्मल सी ग्लास की, उसमें पानी भर लिया है नॉर्मल सा, अब इन्होंने कई सारी चीजें देखी हैं, तो भाई ये गर्म हो जाएगा चम्मच, ये कंपास जो है वो गर्म हो जाएगा, डिवाइडर लकड़ी, ये पेंसिल हमारी गर्म नहीं होगी, ऊपर के हिस्सा, और ये स्केल भी गर्म नहीं होगी क्योंकि ये प्लास्टिक और लकड़ी के हैं, ठीक है। हाँ नीचे से आप आग दे रहे हो तो पिघलने वाली पिघल जाएंगी, ठीक है, जलने वाली जल जाएंगी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी ये क्या है, उष्मा के कुछ अलग है, ये इनको अगर हम इसमें उष्मा इसमें उष्मा देंगे तो गर्म नहीं होंगे, ठीक है। कुचालकों को उष्मारोधी कहते हैं, तो कुचालकों को क्या कहते हैं, उष्मारोधी कहते हैं। जल तथा वायु, जल और वायु जो होते हैं उष्मा के क्या है, कुचालक है। तब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। तो इन्होंने कहा है जल और वायु जो है ऊष्मा के क्या है, कुछ अलग है। वायु से हमें आसानी से करंट नहीं लगता है, पर जल अगर हम कोई लाइट वगैरह छू रहे हैं और हम हमारे हैंड में जल लगा है, पैरों में हमारे जल लगा है, या हम गीले हैं, तब क्या होता है, तब क्या होता है, हमको करंट लग जाता है। और ये कह रहे हैं कि उष्मा के कुछ अलग है, रीजन क्या है, इसका रीजन हम आपको कल समझाएंगे। आज की क्लास हमारी काफी लंबी हो गई है, तो आज की क्लास को हम बस यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हम रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दें, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, आप खुद से कुछ नहीं कहना है। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू, जिन्होंने नहीं किया है तो भैया कर लो, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए।